अगली खबर है गांधी जयंती से जुड़ी हुई, जहां विंध्य संग्राम परिषद यूथ ब्रिगेड समान तिराहा रीवा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती समारोह के शुभ अवसर पर शपथ पूर्वक संकल्प लिया कि जातीय धार्मिक आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की सेवा में अपना अपना जीवन व्यतीत करेंगे। उपरोक्त संकल्प परिषद के प्रदेश प्रमुख मुनीम तिवारी द्वारा युवा वर्ग के उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को दिलाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं विंध्य यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे एवं भारत माता की जयकारे के नारे से समान तिराहा इलाका गुंजायमान हो उठा। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिषद के प्रदेश प्रमुख मुनीम तिवारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जिनके विचारों में चलकर भारत देश ही नहीं समूची दुनिया को संभावित विनाश के रास्ते से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने न केवल अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाई है, बल्कि उन्होंने दुनिया के लिए सद्भावना पूर्वक जीवन यापन और उन्नत के मार्ग को प्रशस्त करने का रास्ता बताया है। और